हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग बेसिक्स। अकाउंटिंग बेसिक्स का मतलब क्या है? देखिए, आप कहीं बाहर घूमने गए, जब भी आप घूमने जाते हैं तो आपको मज़ा कब आता है? जब आपको मैं एरोप्लेन में बैठाऊं और ऊपर से दिखाऊं कि देखिए वो ये वाली जगह है, ये वाली जगह वहाँ है, और फिर हम नीचे जब एयरपोर्ट पर लैंड करें तब हम आराम से सारी जगह घूमें। आज की क्लास बस वैसी ही है। आज हम अकाउंटिंग बेसिक्स कवर करने वाले हैं कि बेसिक आखिर अकाउंटिंग है क्या चीज़। इस क्लास के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से ही होना ज़रूरी है। आप अगर साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड से है तब भी हम इस क्लास को बहुत ईजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी समझेंगे हम, और उस स्टोरी के बाद हम समझेंगे कि उसकी अकाउंटिंग टर्म्स क्या यूज़ हुई। तो दूर कहीं किसी गांव में हमारे पास रहते थे मिस्टर राम। अब मिस्टर राम ने सोचा क्यों ना एक बिज़नेस शुरू करा जाए। बिज़नेस किस चीज़ का बिज़नेस करें? मिस्टर राम ने सोचा चलिए एक फैक्ट्री शुरू करते हैं जहां पर हम मैन्युफैक्चर करेंगे आज के टाइम की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या? मोबाइल। तो मिस्टर राम ने सोचा चलिए मोबाइल बनाते हैं। मोबाइल के लिए मिस्टर राम ने सबसे पहले बिज़नेस के लिए क्या चाहिए होता है? कैश, पैसा चाहिए होता है। तो मिस्टर राम ने सोचा कि उनके पास सेविंग्स जो है वो है रुपीज़ वन लाख। मिस्टर राम के पास सेविंग्स है, यानी वो इतना पैसा लगा सकते हैं, पर क्योंकि फैक्ट्री के लिए तो चाहिए 1.5 लाख, यानी 1,50,000, तो बाकी बचा हुआ 50,000 कहाँ से लाया जाए? उसके लिए मिस्टर राम ने प्लान किया कि हम लेंगे बैंक लोन। बैंक से लोन लेंगे मिस्टर राम 50,000 का। चलिए ठीक है, अब बिज़नेस में लगाने के लिए पैसे कितने आ गए? हमारे पास आ गए 1,50,000। अब मिस्टर राम ने आगे प्लानिंग शुरू करी। बोला ठीक है, हमें एक जगह चाहिए, हमें कुछ मशीन्स चाहिए होंगी। बोला ओके। तो मिस्टर राम ने जाकर एक मशीन खरीदी 1,50,000 की। क्या खरीदी? मशीन। ठीक है, 1,50,000 की मशीन भी खरीद ली मिस्टर राम ने। अब इन्होंने यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोचा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होगा। तो मिस्टर राम ने यहाँ एक लोन और लिया 50,000 रुपीज़ का। देखिए लोन जो है वो अब टोटल हो गया है 1,00,000 रुपीज़ का। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको स्नैपशॉट देता हूँ क्या है। यहाँ पर सेविंग्स है मिस्टर राम की 1,00,000, बैंक से लोन लिया 50,000 और 50,000 और, टोटल लोन हमारे पास हो गया है 1,00,000 का, और मशीन अभी तक हमने ली है 1,50,000 की। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इन चीज़ों को। अब क्या किया मिस्टर राम ने? मिस्टर राम ने मोबाइल फ़ोन बनाए और मोबाइल फ़ोन को सेल करना शुरू किया, और हर मोबाइल फ़ोन की इन्होंने रेट लगाई 200 रुपीज़। मैं समझता हूँ ये इमेजिनेटिव रेट है, पर हाँ जस्ट इमेजिन कि ये वाला हमने अजम्पशन लिया कि मोबाइल का जो प्राइस है वो है 200 रुपीज़ पर मोबाइल। अब मिस्टर राम ने टोटल मोबाइल के फ़ोन कितने सेल किए? 100 फ़ोन्स, यानी टोटल मनी कलेक्टेड बाय मिस्टर राम शुड बी 200 × 100 विच इज़ इक्वल्स टू 20,000। इस 20,000 को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हमारा रेवेन्यू, या हम इसे और क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं सेल्स। तो रेवेन्यू सेल्स क्या होता है? हमने जो हमारे प्रोडक्ट्स पूरे सेल किए, वो सेल करने के बाद हमारे पास जो पैसा आया टोटल अमाउंट, वो कहलाता है रेवेन्यू या सेल्स। चलिए आगे चलते हैं। अब मिस्टर राम ने इसके लिए कुछ एक्सपेंसेस भी करें, जैसे कि क्या मिस्टर राम के खर्चे क्या क्या आए होंगे? मिस्टर राम ने रेंट दिया कितना? 5,000। मिस्टर राम ने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया कितना? 5,000। और अदर एक्सपेंसेस, यानी रॉ मटेरियल या छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो दूसरे खर्चे आए, वो आए 5,000।
तो मिस्टर राम के टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? मिस्टर राम के टोटल एक्सपेंसेस हो गए 5,000 + 5,000 + 5,000 विच इज़ 15,000 रुपीज़। ये क्या है? ये हैं मिस्टर राम के एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी खर्चा। तो ध्यान दीजिएगा, मिस्टर राम के एक्सपेंसेस हो गए 15,000। अब अगर जनरली हम अकाउंटिंग को तो बिल्कुल दूर छोड़ दें, हम जनरल बात भी करते हैं कि देखिए प्रॉफिट निकालना है, कितना कमाया वो निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, जितनी कमाई हुई उसमें से खर्चे हटा देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। दूसरे शब्दों में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस गिव्स अस प्रॉफिट। क्या आप इस केस में मुझे प्रॉफिट निकाल कर बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं प्रॉफिट क्या हुआ? देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, 20,000 हमने ये लिया और 15,000 हमने ये लिया, तो मैं 20,000 माइनस 15,000 अगर करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है? 5,000, विच इज़ नथिंग बट प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट आ गया 5,000। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ कि बातों बातों में हमने क्या सीख लिया है, हमने सीख लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक टी शेप अकाउंट होता है हमारे पास, जहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में हम सीखते हैं कि एक तरफ यानी इस तरफ हम लिखते हैं सारे खर्चे यानी एक्सपेंसेस, इस तरफ हम लिखते हैं रेवेन्यू या सेल्स, और दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट या लॉस। अब आप खुद देखकर बताइए, अगर रेवेन्यू वाला साइड ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो हमारा क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। और अगर बाय चांस एक्सपेंसेस ज़्यादा होते और रेवेन्यू कम होता तो हमारे पास आता लॉस। चलिए अभी ये इतना ही पढ़ते हैं, मैं आपको आगे और चीज़ें बताता हूँ कि मिस्टर राम की बैलेंस शीट कैसे बनेगी। आपने कहा सर बैलेंस शीट क्या होता है? देखिए बैलेंस शीट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही दिखता है कुछ, पर बैलेंस शीट में हमें क्या लिखना होता है? बैलेंस शीट में हम लिखते हैं एक तरफ एसेट्स। आप बोलोगे सर एसेट्स मतलब? देखिए एसेट्स मतलब वो चीज़ें जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होगा यानी फ़ायदा मिलेगा, यानी फ्यूचर में जब इस चीज़ को हम ले जाकर मार्केट में देंगे तो हमें पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलेगा, पैसा आएगा बिजनेस में, उसे हम बोलते हैं एसेट। एसेट अब देखिए जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? बैलेंस शीट में हमेशा इस साइड हम लिखते हैं एसेट। अभी हमारे पास कोई एसेट है क्या? सोचकर बताइए। एसेट हमारे पास है अभी जो कि है मशीनरी। हमने मशीन खरीदी थी कितने की? हमने मशीन खरीदी थी 150,000 की। और लायबिलिटीज हैं क्या कुछ? लायबिलिटी क्या होता है? आपने पूछा सर लायबिलिटी क्या होता है? जी लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वो चीज़ है जिसकी वजह से फ्यूचर में हमारे बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, मनी आउटफ्लो यानी रुपये आउटफ्लो होगा, हमारे बिजनेस से बाहर जाएगा। वो चीज़ क्या है? लोन। लोन आज तो हमने लिया है, आज पैसा आया है, पर जब हम लोन रीपे करेंगे, वापस देना होगा, तब पैसा बाहर जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें पढ़ ली है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं जो कहलाती है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? देखिए कैपिटल वो पैसा है जो खुद का पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं। आपको कहानी का याद दिलाऊं स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको याद होगा मिस्टर राम के पास कितने पैसे थे? 1,00,000 जो उन्होंने बिजनेस में लगाए। यानी जो भी पैसा हम खुद का बिजनेस में लगाते हैं वो कहलाता है कैपिटल। तो देखिए आज हमने कुछ एक ब्रीफ में समझने की कोशिश करी कि पीएनएल क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट रेवेन्यू एक्सपेंसेस, हमने देखा एसेट क्या होता है, हमने देखा लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। ये सिर्फ एक ब्रीफ में हमने समझा है। आने वाले वीडियोज़ में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में, लर्निंग विद फन। तब तक के लिए थैंक यू।